जहिन, ये वीडियो बनाने से पहले मैं भावुक जरूर हूं और मुझे लगता है कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप भी भावुक हो जाइएगा। पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक गांव का माहौल है, वो गांव कोई और नहीं बल्कि मेरे गांव का है। और मेरे गांव में दुर्भाग्यवश आज किसी बच्चे के नादानी की वजह से, किसी बच्चे के नासमझ की वजह से एक घटना हुई और ग्रामीणों के रखे हुए जलावन में आग लग गया, आग लग गई। ये गलती से हुआ, किसी ने भी जान के नहीं किया था, कैसे हुआ पूरी तरीके से सामने नहीं आया, लेकिन उसके बाद जो हुआ ना, सच में वो भाव कर देने वाला पल था। हुआ यूं कि जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, गांव से हर एक बड़े बुजुर्ग बच्चे युवा जो लोग थे, सबको जिनके हाथ में जो लगा, बाल्टी बोतल ड्रम मोटर का पाइप, जिनके हाथ में जो लगा, सभी लोग निकल के अपने घरों से आए और आग को बुझाने का प्रयास करने लगे। उसी बीच कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने फायर ब्रिगेड से भी संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन फायर ब्रिगेड का नौबत नहीं आया और आग को पूरी तरीके से आग पे काबू पा लिया गया। लेकिन इन सबके बीच मैं भी वहां था और मैंने जो समझा, मुझे लगा कि आज भी गांव में एकता है। और अपने युवा मित्रों से अपील करूंगा कि जिस चीज को मैंने आज देखा ना, गांव की एकता को, उसे हम लोगों को बरकरार रखना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है, कुछ दिन पहले सिवान के एक बहुत ही बड़े कपड़ा दुकान में आग लगा था और पता लगा कि फायर ब्रिगेड के आते आते चार या पांच दुकानें पूरी तरीके से जल के राख हो गई थी और उस आग की भी शुरुआत एक तिल्ली से हुई होगी। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं, इस आग की भी शुरुआत एक बच्चे के नादानी से, एक माचिस के तिल्ली से ही हुआ होगा। लेकिन इस आग पे काबू पाने, मुझे लगता है कि फायर ब्रिगेड के कॉल करने के लिए जितना लोगों को समय मिलता, उस समय के अंदर में गांव के लोगों ने आग पे काबू पा लिया। और उसमें किसी ने ये नहीं देखा कि किसके घर में लगा है, किसके घर में नहीं लगा है, उससे मेरा क्या मतलब है, बल्कि सबने ये प्रयास किया कि गांव में आग लगा है, इसको कहीं ना कहीं हम सबको मिलके बुझाने का प्रयास करना चाहिए। और सबने सबकी उसमें जीत भी हुई। और इस वीडियो में मुझे गांव की खूबसूरती देखने को मिला और मुझे लगा कि ये वीडियो आप लोगों को भी दिखाना चाहिए और गांव की खूबसूरती क्या उस चीज को दिखाना चाहिए और गांव की एकता क्या उस चीज को दिखाना चाहिए। बाकी शहर में बैठे लोग भी गांवों को जरूर मिस करते हैं, ये बात सत्य है। और इन सब चीजों को देखने के बाद और ज्यादा गांवों में घूमने का शहर के लोगों का मन बनेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं गांव की इस खूबसूरती पे, गांव की एक एकता पे? ये हर गांव की घटना है, ऐसे नहीं कि मेरे गांव की है, हर गांव में ऐसे होता है। इन तमाम चीजों को आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो के अंत में सिर्फ और सिर्फ जय हिंद।